नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आकाश दुबे गंगा। मैं आपके लिए एक फिर से न्यू UPDLET की नोटिफिकेशन लेके आया हूं और एक न्यू न्यूज़ लेके आया हूं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता चल ही गया है कि पहली काउंसलिंग हो चुकी है और बहुत से बच्चों को डाइट प्रोवाइड हो चुकी है। अब वो डाइट अलॉट हो चुकी है, उन्होंने अलॉटमेंट लेटर भी निकाल लिया है। अब वो पूछ रहे हैं कि सर मतलब हमें डाइट में जाने पर क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़े होंगे, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो आपको बताया बनाया है। सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो एक आपको फाइल बनानी होगी, उसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे जो कि डाइट में सबमिट हो जाएगी और 2 साल के लिए शायद वहीं पर रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा करिए, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 4-5 फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो फाइनल डॉक्यूमेंट होंगे, वो सबमिट हो जाएंगे, तो आपको शायद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो रख लीजिए। इसके बाद 2 फाइल्स बनानी है जिनमें सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल वाली फ़ोटोकॉपी रखी होंगी, तो आप सारी फ़ोटोकॉपी करवा के 2 सेट बना लीजिए, तो वहाँ पर दोनों सेट ले जाइए और एक ओरिजिनल ले जाइए। तो मैं बता दूँ उनमें क्या क्या लेना चाहिए। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करवाया था UPDLET पर, तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रिंटआउट ले जाना पड़ेगा। इसके जो फाइनल सबमिट किया था फॉर्म, उसका प्रिंटआउट ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपने 400 रुपये या 200 रुपये जो फीस जमा करी थी, तो उसकी रिसिप्ट ले जानी पड़ेगी। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर जो कि आपका यहाँ से निकलेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से, तो वो आपको वो भी ले जाना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद आपने काउंसलिंग कराई थी, अगर उसका प्रिंट आउट है तो वो भी ले जाइए। इसके बाद आपको मैं बताऊं, जो आपने 2000 रुपये पेमेंट किया था अलॉटमेंट लेटर के लिए, तो उसकी रिसिप्ट वो भी ले जानी पड़ेगी। इसके बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और उसके बाद एक प्रमाण पत्र आता है जो सनद भी कहते हैं, वो ले जानी पड़ेगी। इंटर की मार्कशीट और सनद ले जानी पड़ेगी। इसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन किया है, BSc BA या कुछ भी जो भी किया है, तो उसकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। इसके बाद जो जितने भी सेमेस्टर हैं या जितने भी ईयर हैं, 3 ईयर की मार्कशीट या एक ही मार्कशीट है, तो वो भी ले जानी पड़ेगी। इसके बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड होता है, उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन फॉर्म, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 2 दिन का टाइम देते हैं। इसके बाद वो प्रोविजनल हमें यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके कॉलेज से इशू हुआ था, वो ले जाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जी 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ अगर आप 2 हैं तो आप दोनों 2 सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, एक स्कूल से एक और भी कहीं से आप बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि मिलता है कॉलेज से, वो भी ले जाइए। इसके बाद एक हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि कहीं किसी भी MBBS डॉक्टर या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनता है, तो आपको वो ले जाना पड़ेगा। इसके बाद बता दूँ कि आपको अपना निवास प्रमाण पत्र, वो जो कि मतलब BTC की नोटिफिकेशन से पहले का बना होना चाहिए, वो ले जाना पड़ेगा। और आय प्रमाण इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी ले जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जिनके हैं तो उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। इसके बाद एक नोटरी बनवानी पड़ेगी हमें जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ उनके नाम की, तो वो नोटरी बनवा के आप जाइएगा। और इसके अलावा मेरे ख्याल से तो सारे डॉक्यूमेंट हो गए हैं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट में छूट गया तो आप कंफर्म कर लेना, डाइट में जाके एक बार पता कर लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट और चाहिए हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप डाइट में जाइएगा और एडमिशन करवा लीजिएगा। थैंक यू। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।